तो फाइनली हम लोग उठ के अब जा रहे हैं आगरा फोर्ट, आगरा ताजमहल देखने, सब देखेंगे एक एक करके। तो अभी हम लोग सुबह उठ चुके हैं यार, उठ के फ्रेश हो चुके हैं, पूरी तरह से नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं शक्ल वगैरह ठीक ठाक थोड़ी आ रही होगी कैमरे में, नया नया फ़ोन है तो आएगी ही। तो अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको ताजमहल वगैरह सब कुछ एक एक डिटेल में करके। तो मिलते हैं। तो अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं आगरा के लिए ताजमहल वगैरह देखने। तो हम लोग चल दिए हैं ताजमहल की ओर। ये माल रोड है यहाँ का, आप देख सकते हो काफ़ी साफ़ सुथरा है। चलिए आपको पहुँच के ताजमहल मैं दिखाता हूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका अपना सिख सफ़र रॉयल से। तो मैं आ चुका हूं आगरा यानी ताजमहल देखने। तो इस टाइम हम लोग हैं पुरानी मंडी चौराहे पे। ये आप देख सकते हो यहां पे दुर्गादास जी की मूर्ति लगी है ये पीछे मेरे, और यहां पे ही ये इसका एंट्री गेट, एंट्रेंस गेट है, वेस्ट गेट है। हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर की। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का सीन। लोग एंट्री करते करते मेन एंट्रेंस गेट से अंदर आए थे, तो यहाँ पे सूफ कवर वगैरह आराम से आप ले सकते हो। ये देखिए भाई बेच रहे हैं यहाँ पे। ये हम लोगों को 3 सूफ कवर मिले हैं, 20 रुपये हम लोगों ने इसके पे किए हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं, आप भी ले ज़रूर, क्योंकि अंदर मार्बल वगैरह है तो आप पहन के सूज ऐसे नॉर्मल नहीं जा सकते हैं, आपको कवर लेना ही पड़ेगा साथ में। तो अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं वेस्ट गेट से। ये है इसका वेस्ट गेट ताजमहल का, देख सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत है यार ये नज़ारा। जैसा मैंने आपसे बताया, ये है मेरे पीछे रॉयल दरवाज़ा, आप देख सकते हो। यहाँ पे 3 गेट हैं इसके, एंट्री गेट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ईस्ट गेट आप देख सकते हो मेरे पीछे है, इसके इधर है वेस्ट गेट। तो यहाँ पे ईस्ट गेट है जो यहाँ से VIPs की एंट्री होती है, वेस्ट गेट से नॉर्मल पीपल्स जो आम आदमी है उनकी एंट्री होती है। और ये जो साउथ गेट है रॉयल दरवाजे के सामने, यहाँ पर इसका जो है एग्ज़िट गेट है। तो ये है इस दरवाजे के ऊपर आप देख सकते हो जो गुम्बतें लगी हैं छोटी छोटी, ये 11 इधर हैं 11 उधर हैं, ये 22 टोटल गुम्बतें हैं। ये बताती हैं कि ये ताजमहल 22 साल में बन के तैयार हुआ था। और इसके आप यहाँ पे देख सकते हो काली उससे लिखी हुई है, ये आयतें हैं यहाँ पे लिखी। तो अब हम चल रहे हैं इसके अंदर और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं अंदर क्या है। ये नज़ारा देखने के लिए आपकी निगाहें तरस रही होंगी। ये है ताजमहल का कुछ व्यू। तो मैं रॉयल दरवाजे से एंट्री करके आ चुका हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये दुनिया का 7वां अजूबा है। ये है अपना ताजमहल, इसमें 15 गार्डन हैं और 53 फाउंटेन है, ये आप देख सकते हैं इसके। और इस ताजमहल को बनने में टोटल 22 साल का टाइम लगा था, ये 22 साल में बनके तैयार हुआ था ताजमहल। इसमें 20,000 वर्करों ने काम किया था इस ताजमहल को बनने में। जब आप रॉयल दरवाजे से एंट्री करते हो इस दरवाजे से, तो आप जब एंट्री करके जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू सामने का मिलता है ताजमहल का। तो मैं अब ताजमहल के और करीब चल रहा हूँ। आप यहाँ पे ये जो देख सकते हैं ये रेड स्टोन है, यहाँ पे ये फतेहपुर सीकरी से आया है। और ये जो मार्बल आप देख सकते हो ताजमहल के पास लगा, ये आया है आपका राजस्थान से, ये मखराना राजस्थान से वाइट वाला मार्बल आया है जो यहाँ पर लगा है। तो काफ़ी खूबसूरत है ये ताजमहल का दीदार। आपने फ़ोटो काफ़ी देखा होगा, लोग खिंचाते हैं, ये है स्पॉट, यहाँ से आप फ़ोटो खिंचाएंगे तो आपको पीछे व्यू आएगा पूरा ताजमहल का। इधर आएगा रॉयल दरवाजे का व्यू, काफ़ी बेहतरीन व्यू आएगा, इसको आप सेल्फी पॉइंट कह सकते हो। यहाँ पे आए पिक ज़रूर क्लिक कराए, मैं भी क्लिक कराता हूँ, जानकारी देता हूँ इसकी आगे की। तो जब आप आते हैं ताजमहल से थोड़ा पहले, आपको यहाँ पे सामान्य टिकट धारकों के लिए ये सामने से रास्ता गया है, उच्च मूल टिकट धारकों के लिए ये लेफ्ट से इसके रास्ता ठीक सामने लेफ्ट से रास्ता गया। तो हम लोगों का उच्च मूल टिकट जो है वो है, तो हम लोग शॉर्टकट वाले से रास्ते चलते हैं और वहाँ से मैं आपको जल्दी पहुँच के दिखाऊँगा ताजमहल। तो हम लोग अब अंदर चल रहे हैं। हम लोगों ने एंट्री टिकट यहाँ का ले लिया था, ऑनलाइन बुक करा लिया था, 50 रुपये इसका बाहर का था और 200 रुपये इसके अंदर का टिकट है, जो पास से आप देख सकोगे ताजमहल। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ताजमहल, काफ़ी पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और पास से दिखाऊँगा। मैं ऊपर चल रहा हूँ अब सीढ़ियों से। तो फाइनली जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं ताजमहल के एकदम करीब आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हो, ये है ताजमहल।
तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं शॉर्टकट से अंदर आऊँगा, तो मैं अंदर आ चुका हूँ ताजमहल के पास। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ताजमहल है। काफ़ी मैं करीब हूँ ताजमहल के। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मूवीज़ वगैरह सीरियल्स वगैरह में आप देखते हैं, जब आप यहाँ पे पास में आएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये ताजमहल। तो मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ। अंदर आने के लिए आपको सबसे पहले टिकट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंदर का जो टिकट है वो 200 रुपये है, या आप पास से देख सकते हो उससे। और इसके जो नीचे से आप ताजमहल देख सकते हो वो आपको 45 रुपये का पड़ जाता है टिकट, क्योंकि वहाँ पर गार्डन वगैरह है, तो गार्डन से आप दूर से देख पाओगे। इसके अंदर ताजमहल का टिकट नहीं पड़ता है। यहाँ पे अंदर जो शाहजहाँ और मुमताज़ जी की कवर है उनको देखने का आपको यहाँ 200 रुपये चार्ज पड़ेगा। अंदर कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप बाहर से देखें, और बाहर से आप वीडियोग्राफी फ़ोटो खींचना चाहे खींचिए, पर अंदर आपको ले जाना अलाउड नहीं है, तो मत ले जाएँ। तो इसका एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कहाँ से आया और कैसे आया। तो मैंने वहाँ आपको रॉयल दरवाजे के पास से दूर से ताजमहल दिखाया था, वहाँ से मैंने एंट्री ली अंदर के लिए। तो यहाँ पे आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक होता है जो कि आप नॉर्मल टिकट पे जाते हो, एक थोड़ा वीआईपी टिकट पे होता है, वो शॉर्टकट रास्ता होता है, उस पर थोड़ा पैसा ज़्यादा आपको लग जाएगा। तो आप वो शॉर्टकट रास्ता, अगर आपको जल्दी आना है ताजमहल के लिए, तो आप शॉर्टकट अपना सकते हो। मैं बता दूँ, ये ताजमहल लगभग 22 साल में बन के तैयार हुआ था, जैसा मैंने आपसे बताया था। ये मार्बल जो लगा है ये राजस्थान का मार्बल लगा है इसमें, और यहाँ पे सबसे इसकी बड़ी बात 243 फीट इसकी हाइट है ताजमहल की। आप देख सकते हो ये गुम्बद है ऊपर, जूम करके कोशिश कर रहा हूँ, मैं पास में खड़ा हूँ इस वजह से सही से पूरा क्लियर नहीं आ पाएगा। तो मैं अब चलता हूँ आगे और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गेस्ट हाउस। तो अब मैं चल रहा हूँ आपको गेस्ट हाउस दिखाने। यहाँ पर ये ताजमहल है मेरे पीछे, अब ये देख सकते हो मेरे पीछे ये गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस शाहजहाँ ने बनवाया था अपने गेस्ट के लिए, जो यहाँ पे उनके गेस्ट आते थे वो यहाँ पे रुकते थे। तो ये आप देख सकते हो नदी के किनारे ही है गेस्ट हाउस, तो काफ़ी खूबसूरत गेस्ट हाउस भी है। तब पहले के ज़माने में होटल्स वगैरह होते नहीं थे, तो शाहजहाँ ने अपने गेस्ट जो मेहमान उनके थे आते उनके लिए ये बनवाया था गेस्ट हाउस। तो ये मीनारे जो आप सामने से ऐसे देखेंगे तो लगेगा आपको काफ़ी सीधी हैं, लेकिन ये तिरछी मीनारे हैं। ये इसलिए तिरछी हैं क्योंकि यहाँ पे भूकंप वगैरह आए, तो ये सारी मीनारे ताजमहल पे ना आए और इधर उधर जाके बाहर की ओर गिरे, इसलिए ये तिरछी हल्का बनाई गई थी मीनारे काफ़ी। तो मैंने गेस्ट हाउस दिखा दिया आपको, बता दिया मीनार के बारे में। अब मैं आपको लिए चल रहा हूँ पीछे, ताजमहल के जस्ट बगल से बहती है यमुना नदी, वहाँ पे मैं आपको यमुना नदी दिखाता हूँ। उसके जस्ट पीछे है मेहताब गार्डन, जो कि काफ़ी फेमस गार्डन ये भी है यहाँ पे। तो ये दिखाऊंगा ज़रूर, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। एक गाना आया था जो सुनो ना संगमरमर की दीवारें, उस गाने में आपको वहाँ का सीन दिखाया है वहाँ पे। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि ये ताजमहल है, और जस्ट इसके पीछे जो कि नदी बहती है यमुना जी, तो यमुना जी के जस्ट पीछे आप देख सकते हो ये है मेहताब बाग गार्डन। आपको मैं जूम करके कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, ये है मेहताब बाग गार्डन। यहाँ पे काफ़ी अच्छे हरे भरे पेड़ हैं, गार्डन में जाएंगे वहाँ पे पिक क्लिक कराने के लिए स्पॉट बने हैं, वहाँ पे आप बैठिए और वहाँ से आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये है मेहताब बाग गार्डन, आप देख सकते हो मेरे सामने। ये नदी का सिर्फ डिफरेंस है, नदी के उस साइड मेहताब बाग गार्डन है और इधर है ताजमहल। ये नदी है और यहाँ पर आपको रेड फोर्ट दिख जाएगा, लाल किला भी यहाँ से आपको थोड़ा पास से दिख जाएगा। तो मेहताब बाग गार्डन पीछे मेरे था, मैंने मेहताब बाग गार्डन आपको दिखा दिया है, जो कि ताजमहल के जस्ट पीछे है नदी के उस साइड। अब यहाँ पे है एक मस्जिद, ये आप देख सकते हो पीछे, ये मस्जिद है। उधर आपको मैंने गेस्ट हाउस आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इस साइड है आपका मेहताब बाग गार्डन और इसके अपोजिट में है ये मस्जिद। तो यहाँ पर आप आए, दरअसल यहाँ पर आप फ्राइडे छोड़ के किसी भी दिन आए, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे नमाज होती है, तो इस वजह से बंद रहता है, टूरिस्ट अलाउ नहीं होता है। ये आप देख सकते हो ये है मस्जिद, तो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद अब हम लोग नीचे चल रहे हैं, ये इसका एग्ज़िट गेट इधर से, और इधर इसका एंट्री गेट आप देख सकते हो, इधर से एंट्री होती है और ये है एग्ज़िट गेट। अब हम लोग चलते हैं बाहर, फिर बाहर मिलते हैं आपको। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं ताजमहल टहल के, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये ताजमहल वगैरह ये कीरिंग वगैरह है यहाँ पे हमने ली है इन लोगों से। ये काफ़ी छोटे छोटे बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सही रेट पे बेचते हैं, ये देखिए आप कीरिंग वगैरह है यहाँ पे मैंने ली है, तो काफ़ी सही मिल गई है मुझको ये। यहाँ पे 100 रुपये की मुझे पड़ी है, लगभग 11 पीस, काफ़ी सही है। ये सब लोगों ने, ये बच्चे हैं जो बेचते हैं। तो चलते हैं आगे,
तो दोस्तों यही था ताजमहल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ताजमहल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आप ऐसे ही वीडियोस को सारे अपना प्यार देते रहोगे, वीडियोस को देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। तो ताजमहल काफ़ी खूबसूरत है, आप आए यहाँ पे गाइड के साथ घूमें तो आपको और मज़ा आएगी। तो आप आइए और मस्त घूमिए यहाँ पर ताजमहल, आके आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जुड़े रहें और देखते रहें सफ़र रॉयल के सारे ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।